हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कौशल पचगांव में आपका स्वागत करता हूं। ये जगह गुड़गांव से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। जब आप जयपुर हाईवे पर मानेसर क्रॉस कर लेते हैं तो उसके बाद लगभग 5 किलोमीटर चलने के बाद ये जगह आती है। मानेसर पॉलिटेक्निक क्रॉस करने के बाद KMP एक्सप्रेसवे के लिए एग्जिट आता है। इस एग्जिट गेट से यदि आप सर्विस लेन पर गाड़ी ले लेते हैं तो मेन रोड पर ही आपको ये रेस्टोरेंट दिखाई दे जाएगा। अब आपको पराठा का टेस्ट लेने के लिए मूरथल जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से मूरथल में ढाबा टाइप रेस्टोरेंट है उसी तर्ज पर इसे डेवलप किया गया है। हम यहाँ पर पहुँचे संडे को लंच टाइम में। बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर। गेट कीपर ने हमें बताया कि आपको कम से कम हाफ एन आवर इंतजार करना पड़ेगा। वैसे तो यहां पर प्रतिदिन भीड़ रहती है लेकिन वीकेंड्स पर वेटिंग टाइम कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। सबसे पहले आप जाकर गेट कीपर के पास अपना नाम और नंबर ऑफ मेंबर्स लिखवा दें। जब आपकी बारी आएगी तो अनाउंस करके आपको बुला लिया जाएगा। संडे को गर्मी भी काफी ज्यादा थी इसलिए इंतजार करना भी मुश्किल हो रहा था। दूसरा, यहां पर बैठने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। खड़े रहकर ही आपको अपनी बारी का इंतजार करना होगा। मेन गेट के बाहर ही बच्चों के लिए कुछ राइड्स भी हैं, जैसे कि टॉय ट्रेन राइड, कैमल राइड। लेकिन धूप इतनी तेज थी कि यहाँ पर खड़े होना मुश्किल लग रहा था। तभी हमें साथ में दिखाई दिया स्टारबक्स का कैफे और हम चले गए स्टारबक्स में। लगभग आधे घंटे के बाद हम दोबारा गेट पर आए लेकिन अभी भी हमारी बारी नहीं आई थी। हमें अभी थोड़ा और इंतजार करना था। इस रेस्टोरेंट की मेजर हाईलाइट है सरपंच पराठा, जिसकी कीमत है 1300 रुपीज़, 1300 रुपये, और ये 20 इंच का पराठा है। और यहाँ पर एक चैलेंज है कि यदि आप एक घंटे के अंदर इस पराठे को खा लेते हैं तो आपको 21,000 रुपीज़ एज ए प्राइज मिलेगा। जब तक आपकी बारी नहीं आती, सामने जो आप देख रहे हैं ये एक आइसक्रीम पार्लर है, यहाँ पर जाकर आप आइसक्रीम एंजॉय कर सकते हैं। मेन गेट के राइट हैंड साइड के अंदर ये एक सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पर आप सेल्फी ले सकते हैं। एक ऐसा ही सेल्फी पॉइंट अंदर भी है।
फाइनली हमारे नाम की अनाउंसमेंट हो चुकी है और अब आइए दिखाते हैं आपको अंदर के नज़ारे। सिटी कल्चर से अलग यहाँ पर आपको एक कलरफुल देसी एम्बियंस देखने को मिलेगा। यदि आप मूर्थल के आसपास किसी भी रेस्टोरेंट में गए हैं तो कुछ कुछ यहाँ पर आपको वैसा ही लगेगा। एक क्विक टूर आपको करा देते हैं यहाँ की किचन और बाकी जगह का, उसके बाद हम ऑर्डर देंगे। घंटी की आवाज़ बता रही है कि किसी ने सरपंच पराठा का ऑर्डर दिया है। सरपंच पराठा को ये इसी तरह से सर्व करते हैं। मेरे अनुसार ये पराठा 4 लोगों के लिए सफिशियंट है। सब्जी के अलावा इस पराठे के साथ गुलाब जामुन और लस्सी भी सर्व की जाती है। एक दो चीज़ों को छोड़कर बाकी सभी चीज़ों के रेट यहाँ पर नॉर्मल है। चाय थोड़ी सी महंगी है, बाकी आप 100 रुपये में गोलगप्पे ट्राई कर सकते हैं। पाव भाजी का रेट 150 रुपये है, यानी इतना ज़्यादा महंगा इसे नहीं कह सकते। नॉर्मल पराठे के अलावा यहाँ पर आप जो भी नॉर्थ इंडियन डिश हैं, इवन साउथ इंडियन डिश भी यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं। यदि मौसम अच्छा है तो आप बैक साइड में जाकर वहाँ पर भी बैठ सकते हैं, काफ़ी बड़ा स्पेस दिया गया है। जैसे कि हर हाईवे स्टाइल रेस्टोरेंट में होता है, पार्किंग एकदम फ्री है, इन्वायरमेंट नीट क्लीन एंड ग्रीन है। अधिक जानकारी के लिए आप इनका नंबर डायल कर सकते हैं। वीकेंड को छोड़कर वीकडेज में आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और दिल्ली और NCR की इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।